नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार्स व्लॉग यूट्यूब चैनल। बंजारन फिल्म शूटिंग लोकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग लोकेशन हम देखने वाले हैं। तो बात करूँ इस गाने की शूटिंग लोकेशन की, तो इस गाने को शूट किया गया है, कुछ सीन देखिए, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सामोद गांव के पास में एक जगह है जहां पे बहुत से डिजर्ट के सीन है, बंदोल इस जगह को बोला जाता है। तो कुछ सीन यहां से शूट किए गए हैं और कुछ सीन फिल्म सिटी से शूट किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाने की शूटिंग लोकेशन दिखाऊँगा। फिलहाल अभी मैं पहुँच चुका हूँ बंदोल के अंदर, जहाँ पर ये पीछे रेत के टीले हैं और पहाड़ों का नज़ारा है, यहीं से इस गाने के सीन शूट किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये लोकेशन विजिट करवा देता हूँ। इधर ये सामने ये ऊँचे ऊँचे रेत के टीले हैं, आप देख सकते हैं, और खेती भी होती है यहाँ पर, और इधर ये पहाड़ हैं ऊँचे ऊँचे, तो देख सकते हैं इधर भी इसी प्रकार से पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और इधर से इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ पे आए हैं। इधर सामने रोड जा रही है जो कि महारकला विलेज की तरफ जाती है, देख सकते हैं रोड जा रही है इधर से। तो दोस्तों गाने में जो सीन दिखाया गया है वो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। इस पहाड़ का नज़ारा दिखाया गया है लेकिन पहले सीन के अंदर जूम करके दिखाया गया है, तो अभी देखिए आप स्क्रीनशॉट के अंदर परफेक्ट मैच कर सकते हैं इस पहाड़ का नज़ारा, और इसके जो पत्थर है इनकी डिज़ाइन भी आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। तो गाने का पहला सीन यहाँ से दिखाया गया है, और इसके बाद देखिए कैमरा एंगल कुछ इस प्रकार से किया जाता है, तो इस प्रकार से कैमरा एंगल किया जाता है। और ये जो आप खाली जो जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिल्म के अंदर बंजारों के कैंप यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, तो वो सीन भी गाने का यहीं से दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं। पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना ये इस प्रकार से, तो इनका नज़ारा दिख रहा है आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देता हूँ, इनकी जो ये डिज़ाइन है ना आप उसी प्रकार से देख सकते हैं। तो इधर यहाँ पे बंजारों के कैंप लगाए गए थे फिल्म के अंदर, इस खाली जगह के अंदर, और इन पहाड़ों का नज़ारा दिखता है। और दोस्तों गाने के एक सीन के अंदर यहीं पे कहीं किसी रेत के टीले के ऊपर श्रीदेवी बैठी रहती है, और ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है, उन पहाड़ों का ही नज़ारा दिखता है, और इधर जो ये रेत के टीले हैं इनका नज़ारा दिखता है। तो वो जो सीन है वो भी यहीं से दिखाया गया है। अभी तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से बहुत से पेड़ यहाँ पर उग चुके हैं, लेकिन उस टाइम में मतलब रेत ही रेत का सीन था यहाँ पर और ये पहाड़ दिखते थे, तो वो जो सीन है गाने का वो भी यहीं से दिखाया गया है, आप मैच कर सकते हैं। और उनके पीछे इधर वो टेंट लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम अगली लोकेशन के ऊपर चल रहे हैं। दोस्तों गाने का एक सीन यहाँ से शूट किया गया है, तो अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे किसी रेत के टीले के ऊपर श्रीदेवी बैठी रहती है, तो देखिए ये नज़ारा देखने को मिलता है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप मैच कर सकते हैं ये जो पहाड़ है इसका नज़ारा। अभी मैं देखिए जूम करके दिखा देता हूँ, इस पहाड़ का नज़ारा आप परफेक्ट उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। देखिए इस पहाड़ की जो ये चोटी है उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, और जो एक अलग पहाड़ का नज़ारा दिख रहा ना वो देखिए ये आप मैच कर सकते हैं। कैमरा एंगल शायद थोड़ा इधर से किया गया था लेकिन सीन इसी पहाड़ का दिख रहा है और आप मैच कर सकते हैं उसी प्रकार से। तो फिल्म का वो गाना यहाँ से शूट किया गया है। दोस्तों गाने में एक सीन को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, देखिए यह सीन मैं आपको वाइड एंगल करके दिखा रहा हूँ। तो इस सीन के अंदर जो श्रीदेवी होती है वो यहाँ पे बीच में खड़ी रहती है, और ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। देखिए पहाड़ों का नज़ारा उसी प्रकार से दिखता है, और इधर ये रेत ही रेत का सीन दिखता है। अभी तो ये छोटे मोटे पौधे उग चुके हैं लेकिन सीन गाने का यहीं से दिखाया गया है। और देखिए कुछ पीछे और भी पहाड़ों का नज़ारा दिख रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए ये इधर इस प्रकार से पहाड़ हैं, इनका भी नज़ारा दिख रहा है, तो आप मैच कर सकते हैं उसी प्रकार से। दोस्तों गाने के एक सीन को देखिए यहाँ से शूट किया गया है, और इस सीन के अंदर श्रीदेवी यहाँ पे रहती है और ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देखिए मैच कर सकते हैं।
परफेक्ट उसी प्रकार से यहाँ पे श्रीदेवी खड़ी रहती है और उनके पीछे पहाड़ों का नज़ारा दिखता है, आप मैच कर सकते हैं। और देखिए जो रेत का टीला जो दिख रहा है वो भी आप मैच कर सकते हैं। ये देखिए इन पहाड़ों के नीचे ये रेत के टीले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इनके ऊपर बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं, उस वजह से ये रेत के टीले दिख नहीं पा रहे, लेकिन ये रेत के टीले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे श्रीदेवी खड़ी रहती है गाने के अंदर और परफेक्ट आप इस प्रकार से मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे श्रीदेवी रहती है और इस पहाड़ का नज़ारा दिखता है, ये पहाड़ यहाँ पे एंड हो रहा है और ये यहाँ पे रेत के टीले हैं इस प्रकार से। तो गाने का वो सीन यहाँ से दिखाया गया है, एज इट इज़ आप मैच कर ही सकते हैं उसी प्रकार से। और ये सामोद के बंदोल के अंदर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और रेत के टीले हैं, और इधर सामने करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। और इस रास्ते से अगर हम आगे चलते हैं तो आगे एक मंदिर है महामाया माता जी का, तो अगर आप यहाँ पे कभी आते हैं तो मंदिर में भी दर्शन करके जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस गाने के कुछ सीन फिल्म सिटी से भी शूट किए गए हैं, तो ये जो आप स्क्रीनशॉट वाला सीन आप देख पा रहे हैं ना, ये सीन मुंबई फिल्म सिटी से शूट किया गया है और मुंबई फिल्म सिटी के अंदर ये मंदिर बना हुआ है और इसी मंदिर के सामने ऋषि कपूर गाना गाते रहते हैं गाने के अंदर। तो आप स्क्रीनशॉट के अंदर भी मैच कर सकते हैं, इसी मंदिर का नज़ारा दिख रहा है। तो इस मंदिर की ये जो तीनों गुंबद है आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, ये सीढ़ियाँ वगैरह आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो गाने का वो सीन यहाँ मुंबई फिल्म सिटी से शूट किया गया है। और वैसे इस मंदिर का सीन बहुत सी फिल्मों के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म सिटी के अंदर ये मंदिर है तो बहुत सी फिल्मों के अंदर इसे यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बिल्कुल नई लोकेशन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाई, बजारन फिल्म के गाने की लोकेशन। तो लोकेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इस फिल्म शूटिंग लोकेशन का नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो आने वाला है जमवारावगढ़ बांध से। तो फिल्म के अंदर कुछ सीन ऐसे आते हैं जब ऋषि कपूर श्रीदेवी को ढूंढते रहते हैं, तो जो लोकेशन फिल्म के अंदर दिखाई गई है वो लोकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं इसी फिल्म शूटिंग लोकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।